अब खबर जयपुर के चौमू से है, जहां मोरिजा रोड पर शमशान घाट में अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों और साथ ही परिवादी के बीच मारपीट की घटना शुरू हो गई। इस घटना की सूचना पाकर पुलिस ने मामले को शांत करवाया। आपको बता दें कि सिक्कर के रानोली निवासी मदन गढ़वाल ने चौमू निवासी ब्रिज मोहन सैनी और उसकी पत्नी पूनम सैनी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करवाया था। आरोपी दंपति ने डायमंड कंपनी के नाम पर लोगों से करीब 300 करोड़ रुपए की ठगी की। इन दोनों के खिलाफ कई थानों में पहले से मामले भी दर्ज हैं। ये दोनों आरोपी पिछले कई दिनों से फरार थे, लेकिन अचानक ब्रिजमोहन सैनी की मां का देहांत हो गया और इसी के चलते आरोपी अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचा, जहां ठगी के शिकार मदन सहित कई लोग पहुंच गए और इसी दौरान परिवादी मदन और ब्रिजमोहन के बीच मारपीट हो गई। इस मौके पर पहुंचे एसपी फूलचंद मीणा ने लोगों से समझाइश कर इस मामले को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।